उत्तर प्रदेश सरकार ने समूची शिक्षा व्यवस्था का ढांचा बदलते हुए पढ़ाई को रुचिकर बनाने की दिशा में ऐसा काम किया है कि अब बच्चे स्कूल से घर नहीं जाना चाहते। ऐसी परिस्थितियों का गवाह बना है चंदौली जिले में चेहनिया विकास खंड का कंपोजिट विद्यालय हृदयपुर। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालय की इमारत को दुरुस्त किया गया। दीवारों पर बच्चों को आकर्षित करने वाली पेंटिंग बनाई गई। इसके साथ ही स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और साफ सुथरे टॉयलेट तैयार किए गए। आधारभूत ढांचा बेहतर किए जाने के साथ साथ परंपरागत तरीकों की बजाय स्कूल में कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में तब्दील किया गया। टीवी प्रोजेक्टर के सहारे विभिन्न विषयों को रुचिकर ढंग से पढ़ाया जाने लगा। गणित और विज्ञान विषयों को उपकरणों के माध्यम से समझाया जाने लगा। स्कूल में जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए 2 यूनिफॉर्म, कॉपियां, किताबें, स्कूल बैग, पेन पेंसिल आदि की व्यवस्थाएं की गई। आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां एडमिशन के लिए आने लगे हैं। कंपोजिट विद्यालय हृदयपुर के न केवल शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है, बल्कि यहां के विद्यार्थी तो कुश्ती और दौड़ प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करते हुए जिस तरह बच्चे नई नई बातें सीख रहे हैं, उसे देखते हुए यहाँ निरंतर विद्यार्थियों के नामांकन में बढ़ोतरी हो रही है। मेरा नाम बीरेंद्र सिंह यादव, मैं यहाँ पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और जब मेरी प्रथम पोस्टिंग यहाँ पर विज्ञान टीचर के रूप में हुई, तो इस विद्यालय में कक्षा 6 में केवल 7 बच्चे थे और अध्यापक अकेले में था यहाँ पर। धीरे धीरे स्टाफ बढ़ता गया और हमारे अध्यापकों के सहयोग से आज के डेट में मेरे विद्यालय में लगभग 364 छात्र हैं। और यहाँ पर आयोग योग्यता आधारित परीक्षा का आयोजन होता है, उसमें पिछले 4 साल से हमारे विद्यालय के बच्चे लगभग आज के डेट में कुल 22 बच्चे सफल हुए हैं, जिनको प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए उनके खाते में जाती है। यही मैं निवेदन करूंगा कि अगर कमरे हो जाएं और जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो मिल जाएं तो विद्यालय हमारा बहुत अच्छा चलेगा। धन्यवाद। मैं नंद कुमार शर्मा कंपोजिट विद्यालय हृदयपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत। जब मैं इस विद्यालय पर पदभार ग्रहण किया, इस समय विद्यालय की स्थिति काफी दयनीय थी। अभी हमारे बच्चे राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में लगातार 2 साल प्रथम स्थान प्राप्त किए। यह हम लोगों के विद्यालय के लिए गौरव का विषय है और उन बच्चों को हम रोक करके 1 से 1.5 घंटा पढ़ाते हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, जिन्हें नवोदय की तैयारी कराना होता है। फिलहाल में हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर का भी सरकार के द्वारा प्रदान किया गया और लैब टाइप की स्थापना भी हमारे यहाँ होगी, लाइब्रेरी की स्थापना, खेलकूद की स्थापना और खेलकूद की सुविधाएं। और हमारे यहाँ एक टीम वर्क के रूप में सारे शिक्षक मिलकर के अपना योगदान देते हैं। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 का अध्यापक शिक्षक पुरस्कार हमें प्रदान किया। हमारे बच्चों की पहचान गाँव स्तर से होकर के प्रदेश स्तर तक पहुँच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।